रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि बिकॉज ऑफ द रीसेंट क्लाइमेटिक चेंज एक्सट्रीम अलिनो इवेंट्स आर लाइकली टू बिकम मोर फ्रीक्वेंट अल नीनो इवेंट्स फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व किए जाएंगे बिकॉज ऑफ द डिस्टर्ब्ड क्लाइमेटिक पैटर्न आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपने पढ़ा हुआ है यू हैव हर्ड अबाउट द क्लाइमेटिक चेंज अग्रीमेंट्स राइट सो अल नीनो एंड ला नीना दीज आर द टू वेदर फिनोमिनाज एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू द क्लाइमेटिक चेंज

Something which is moving to and fro. The word oscillation simply means the movement of a pendulum, which goes from one direction and then comes back to the same direction or the same position, right? So something which is moving over here is the, uh, you can say oceanic temperature. This cheese ka oscillation oceanic temperature oscillation and it's happening in the southern hemisphere. I hope you itna pata

Al Nino Southern Oscillation is a cycle of warm and cold sea surface temperatures of the tropical central and eastern Pacific Ocean. In the phase of oscillation, the pool of warm water in the Pacific near South America is often at its warmest amount Christmas. So don't worry, these points you Let me explain you this with the help of a map. For to understand ke liye,

बिकॉज सन रेज फॉल एक्सैक्टली पर्पेंडिकुलर ऑन द इक्वेटर एंड इन द रीजन ऑफ द ट्रॉपिक्स जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ता जाता है इन द नॉर्दर्न हेमेस्फियर एंड इन द सर्दर्निस्फिर बट दे बिकम एंगुलेटेड जिसकी वजह से हायर एटीट्यूड रीजन पर उतनी हीट नहीं होती द टेम्परेचर आर यूज लो ठीक है सो आई होप आपको ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आया है कि दर दी रेसी मैक्सिमम सन लाइट इन द रीजन ऑफ द ट्रॉपिक्स राइट इसके साथ साथ अब आप आपको यह भी समझने की जरूरत है दैट देर इज अ डेफिनेट पैटर्न ऑफ ब्लोज ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ एंड दिस इज कॉल्ड एस प्लेनेटरी विंड राइट तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इन द साउथ तो देर इज डेफिनेट पैटर्न ऑफ द विंड ऑन द सर्फेस ऑफ फोर्स और वो विंड पैटर्न समझने के लिए आपको अपने वो पिछला मेरा क्लास फॉलो किया होगा जिसमें मैंने आपको कोरियोलियोर्स के बारे में समझाया था राइट सो देर आर सर्टन विंड आर ब्लोइंग

तो नॉर्दर्न हेमिसफियर में इसे नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेडविड बोला जाता है एंड इन द सर्दर्न एज द साउथ ईस्टर्न ट्रेडवेंट राइट इट इज कॉल्ड एज ईस्टर्स एंड एज वेल एज इट इज कॉल्ड एज तो इन ट्रेडविंड की वजह से इक्वेटोरियल रीजन में आने वाली जितनी भी चीजें हैं इनका मूवमेंट होता है इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेडविंस तो आई होप अब आपको इतना समझ में आ गया कि सनरेज फॉल मैक्सिमम इन द रीजन ऑफ द इक्वेटर राइट जिसकी वजह से ये जो एरिया होती है कंट्रीज विच आर सिचुएटेड इन बिटवीन ट्रॉपिक्सिव दीट रेडिएशन राइट और वो साल भर गर्म होती है टेम्परेचर बहुत हाई होता है एंड ऑल्सो आपको ट्रेडविंड का कंसेप्ट समझ में आ गया है जिन्हें हम ईस्टरलीज कहते हैं या सिंपली इसे ट्रॉपिकल ईस्टरली भी कहा जाता है ट्रेडविंड भी कहा जाता है नाउ वी कम बैक ऑन टू द टॉपिक दैट इज अल नीनो सर्दन ऑसिलेशन तो मैंने कहा यहां पर ऑसिलेट हो रहा है क्या ऑसिलेट हो रहा है ओशन का टेम्परेचर ऑसिलेट हो रहा है कहां ऑसिलेट हो रहा है दिस व्हाइट लाइन इफेक्ट मार्क्स जीरो डिग्री इक्वेटर तो इस सर्दन हेमिसफियर में ओशन का टेम्परेचर ऑसिलेट हो रहा है इट्स मूविंग टू एंड प्रो राइट नाउ टू अंडरस्टैंड एनजो हमें इसे तीन फेज में स्टडी करना चाहिए फर्स्ट फेज इज कॉल्ड एज द न्यूट्रल फेज व्हाट हैपन्स नॉर्मली वॉट हैपन्स नॉर्मली टू द ओशनिक करेंट्स इन द नॉर्मल सिचुएशन किस तरह से ओशन का जो टॉप लेयर होता है वो हीट अप होता है वो कहां माइग्रेट होता है क्या सिचुएशन होती है नॉर्मल फेज में ठीक है देन सेकेंड आएगा आपका अलिनो दिस इवेंट हाउ इट डिफर्स फ्रॉम द नॉर्मल फेज एंड द थर्ड वन विल बी लानीना हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अलिनो राइट So again, let's move on to the first neutral phase. So there is warm pool of water in the center. Okay. And due to trade winds, this warm oceanic current has moved along the coast of Australia. That is on the western side of the Pacific. Now I told you that the central part of the Pacific receives the maximum heat radiation from the sun. And also the trade winds which are blowing. From the eastern side towards the western side, so they pushes the warm pool of water, okay. Now, due to this, this warm pool of water, it gets pushed across the western side of the Pacific, which increases the temperature and the humidity in these countries, like Australia, Philippines, Indonesia, New Zealand, right. So, this happens in a normal situation. Now, since the warm pool of water is sh shifted across over here in the western side of the Pacific, this results in a low pressure zone. and then due to convection it results in the formation of the cloud and hence the rainfall occurs So, yaha pe bahut severe rainfall hoti hai theek hai cyclones hote hain lightning hoti hai in which countries the countries like new zealand australia and all the western pacific countries yaha jo is taraf situated hai in the southern part of the uh, in the southern hemisphere right अब ये जो trade winds hai ye to continuously blow kar rahi hai and they are pushing the bomb pool of water they are keeping it towards the western pacific side Now, these winds, it becomes heated up, rises up, okay, and reaches up to the top layer of the atmosphere, which is called as a tropopause. you must have uh, read about the, the layers in the atmosphere, and the first layer of the atmosphere is called as a troposphere, which is present up to the height of the 10 to 15 kilometers. So when this warm wind it reaches up to the tropopause, it mixes with the cool current, or the cool wind in the tropopause, and then they diverge. A very cool air... सिंक होता है समर्ज होता है नियर द कोस्ट ऑफ द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट और यहां जो कंट्रीज हैं चिली पेरू यहां पर ये कोल्ड करेंट सिंक हो जाता है ठीक है जिसकी वजह से यहां पर ड्राई और ड्रॉट वाली सिचुएशन होती है एंड देर इज रेनफॉल इन टेंस रेनफॉल ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द पैसिफिक दिस इज द नॉर्मल सिचुएशन ये रहा इक्वेटर ये हमारा वार्म ओशन करेंट दिस इज द थर्मोक्लाइन ठीक है एंड बिलो विच वी हैव द कोल्ड ओशन करेंट

नाउ लेट एस अंडरस्टैंड वॉट हैपन्स इन अल नीनो अब अल नीनो में क्या होता है हाउ इट इज डिफर फ्रॉम अ नॉर्मल फेज नॉर्मल फेज में क्या हो रहा था दॉम ओशनिक करेंट वो शिफ्ट टूवर्ड्स द वेस्टर्न साइड क्यों क्योंकि ट्रेड विंड पुश करते हैं बट वॉट हैपन्स इन अलो इफ दिस वॉर्म ओशनिक करेंट इज नॉट पुश्ड टुवर्ड्स द वेस्टर्न पैसिफिक साइड क्यों क्योंकि ट्रेड विंड बिकम वेरी वीक ठीक है सिंस ट्रेडविंस बिकम वेरी वीक दिस वार्म ओशनिक करेंट विच इज द वार्म वॉटर विच हीटेड अप ड्यू टू द दंटिन्यूअस वेरिएशन फ्रॉम द सन कंटिन्यूअस हीट फ्रॉम द सन अब यहां पर ट्रेड ट्रेडविड्स ही वीक हो गई हैं तो ये वार्म करेंट इट एक्चुअली शिफ्ट फ्रॉम द वेस्टर्न साइड इन टू द सेंट्रल और टू द ईस्टर्न साइड बिकॉज दिस वार्म ओशनिक करंट को वेस्टर्न साइड में पुश करने वाली जो ट्रेड ट्रेडविंड थी ये वीक हो गई है जिसकी वजह से अब इस वार्म ओशन करंट को या तो ये सेंटर में शिफ्ट हो जाता है या इट रीचेज अप टू द ईस्टर्न साइड सो आई शुड ड्रॉ अ बेटर डायग्राम इट रीचेज अप टू द ईस्टर्न साइड ओवर हेयर एज अ रिजल्ट यहां पर बनता है लो प्रेशर जोन ठीक है यहां पर क्लाउड्स बन जाते हैं ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द पैसिफिक अल्टीमेटली रिजल्ट इन द रेनफॉल राइट सो नाउ इंस्टेड ऑफ द वेस्टर्न साइड ऑफ द पेसिफिक द कंट्रीज विच आर प्रेजेंट ऑन द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पैरू चिली इक्विडोर दीज कंट्रीज रिसीव द मैक्सिमम रेनफॉल लाइटनिंग थंडर एंड इवन द साइक्लोन्स ठीक है तो बहुत ही इंटेंस यहां पर रेनफॉल होता है हाई टेम्परेचर होता है ह्यूमिडिटी होती है एंड द रिसीव हैवी रेनफॉल एज वेल नाउ वॉट हैपन्स टू द कोल्ड करेंट अब ऊपर के सरफेस पे तो वार्म करेंट है द टॉप लेयर हैज अ वार्म करेंट वार्म ओशनिक करेंट इन द सेंटर देर इज थर्मोक्लाइन एंड अंडरग्राउंड हेअ वी हैव द कोल्ड ओशन करंट तो कोल्ड ओशन करेंट बिकॉज हेयर द वॉर्म ओशन करेंट गेट्स अक्यूमुलेटेड सो इट काइंड ऑफ पुशेस द कोल्ड करेंट डाउन एंड एज अ रिजल्ट द कोल्ड करेंट रीचेस दिस साइड यहां पर अपवेलिंग होती है कोल्ड करेंट की ठीक है तो अलिनो प्रोसेस में क्या होता है कि जो वार्मनिक करंट जो यूजली नॉर्मल फेज में वेस्टर्न पैसिफिक की तरफ जाती है दिस इज नॉट पुश टूवर्ड्स द वेस्टर्न पैसिफिक बिकॉज द ट्रेड विंड बिकम वीकर दिस वार्म ओशन करेंट रीचेज ऑन टू द ईस्टर्न पैसेफिक एंड एज ए रिजल्ट द कोल्ड ओशन करेंट गेट्स इट गेट्स पुस्ट अंडर एंड देन इट अपलिंग है वेस्टर्न पैसिफिक साइड तो जो कंट्रीज साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है जैसे मैंने बताया आपको पैरू चिली इक्विड यहां वाली कोस्ट भी जो कंट्रीज है यहां इंटेंस रेनफॉल होगा थंडर स्टॉम होगा लाइटनिंग होगा स्टॉम्स होगा एंड दिस ऑसिलेशन ऑफ द वम ओशन करेंट From the western Pacific to the eastern side is called as El Nino-Southern Oscillation. क्योंकि ये सर्दर्न एमोस्फियर में ओशनिक टेम्परेचर का ऑसिलेशन हो रहा है पहले यह वेस्टर्न पैसेफिक में होता था ये इवेंट रेनफॉल का अब ये ईस्टर्न पैसिफिक में हो रहा है सो दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ द अल नीनो सर्दर्न ऑसिलेशन अब हम बात करेंगे what happens in the इन phase फेज दैट इज लानीना तो इन सिंपल वर्ड आई कैन पुट दैट लानीना इज इंटेंसिफिकेशन ऑफ वॉट है न्यूट्रल फेस मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल एरिया में एक वार्म ओशन करंट होता है बिकॉज दिस एरिया रिसीव्स मैक्सिमम फ्रॉम द सन एंड ड्यू टू ट्रेड विंड्स इट गेट पुश्ड अप टू द वेस्टर्न साइड ऑफ द पैसिफिक तो ये वार्म ओशन करंट यहाँ आ जाता है जिसकी वजह से इस एरिया को इंटेंस हीट मिलता है ठीक है फिर यहाँ लो प्रेशर एरिया बनता है ठीक है यहाँ क्लाउड्स बनते हैं और रेनफॉल होता है दिस एरिया रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल बट व्हाट इफ द विंड्स बिकम्स इंटेंसिफाइड अगर ट्रेड विंड्स बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अगर ब्लो करेंगी सो मोर वार्म करेंट विल बी पुश्ड अप टू द वेस्टर्न साइड ऑफ द पैसिफिक एंड एज अ रिजल्ट दिस क्लाउड फॉर्मेशन विल बी इंटेंसिफाइड रेनफॉल विल बी इंटेंसिफाइड ज वॉट इज लाना तो लाना में जो वेदर पैटर्न होते हैं वो वेस्टर्न पैसिफिक में बहुत ही इंटेंस ऑब्जर्व किए जाते हैं रेनफॉल थंडर स्टॉम लाइटनिंग हेल ठीक है साइक्लोनिकव इन देश साइड ऑफ द पैसेफिक एंड वॉट हैपन्स हेयर जैसे कि हम देख रहे थे टॉप सरफेस ऑफ द ओशन इज वॉर्म इन द सेंटर वी हैव द थर्मोक्लाइन एंड देन देयर इज अ कोल्ड करेंट ओवर हेयर तो ये जो कोल्ड करेंट है द अपवेलिंग है ईस्टर्न पैसिफिक साइड कोल्ड वॉटर है टूवर्ड्स दिन साइड ठीक है side, तो अलिनो सिचुएशन में यदिफिक तो पे बहुत ही इंटेंस रेनफॉल होता है हाई टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी होता है और वेदर पैटर्न ऑब्जर्व किए जाते हैं लानीना सिचुएशन में इंटेंसिफिकेशन ऑफ द नॉर्मल नॉर्मल साइकिल होता है जहां पे इंटेंस रेनफॉल सिवियर वेदर फिनमिना साइक्लोन्स थंडर्स ये ऑब्जर्व किए जाते हैं इन द कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया न्यूजीलैंड वेर एज इन द कंट्रीज ऑफ द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट देर इज वेरी कोल्ड एंड ड्रॉट लाइक सिचुएशन क्यों क्योंकि यहां पे कोल्ड करेंट की अपवेलिंग हो रही है द अंडर वाटर कोल्ड करेंट विच इज लाइंग वार्मर करेंट इन ओशन गेट्स अपवेल्ड और गेट्स राइज अप इन द in this part, in the coastal area of the South American continent, okay? So La Nina. So these are the three patterns which you must understand in order to understand the El Nino Southern Oscillation. Now it is, I think it is very simple. You can just read it along over here and I think you not have doubt So El Nino is a climatic cycle in the Pacific Ocean with a global impact on the weather patterns. In Spanish, El Nino means the boy. ठीक है अलमीनो मैंने आपको बताया कि भाई लो प्रेशर एरिया विल बी क्रिएटेड अलोंग द ईस्टर्न पैसिफिक और वहां पर जो मछुआरे होते थे जो फिशरमैन होते थे जब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बहुत ही इंटेंस रेनफॉल होती है हाई टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी होती है बिकॉज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द ओशन इज बिकमिंग वेरी मच वार्म तो वहां पे बेसिकली कोई मराइन लाइफ नहीं होती है फिशरीज डाई ओवर हेयर तो उसको नाम दिया गया था उस इवेंट को नाम दिया गया था द बॉय

साइकिल्स है पैटर्न की हर चार साल में अलिनो एपिसोड रिपीट होगा एवरेज निकाला गया है टू टू सेवन ईयर्स में अलिनो वेदर फिनोमिना ऑब्जर्व होता है एंड यूजलीपन्स बिटवीन द मंथ अप्रिल टू अक्टूबर वाई बिकॉज अप्रिल से अक्टूबर में जो ट्रेड विंड होती हैं वो बहुत ही वीक हो जाती हैं आपको पता है कि ट्रेड विंडस के वीक हो जाने से ही जो वार्मनिक करंट है शिप्स फ्रॉम द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक टू आई देंट्रल और द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पैसेफिक राइट What causes El Nino? A reasons we have know, it sets in when there is anomaly in the pattern. The westward blowing trade winds weaken along the equator due to changes in the air pressure. And surface water moves eastward to the coast of North South American continent. As I have told you, the central and the eastern Pacific region warm up over six months and result in El Nino condition. Okay, now we come on to the impact. The warmer surface water increase precipitation and bring above normal rainfall in South America. एंड ड्रॉट्स टू इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया येस तो अल इिनो का क्या इम्पैक्ट होता है क्योंकि अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट दर इज अ वार्म पूल ऑफ ओशनिक करेंट सो दैट वॉल्स इंटेंस रेनफॉल हाई ह्यूमिडिटी हाई टेम्परेचर इन द कंट्रीज ओके और वहीं पे ड्यू टू अपवेलिंग ऑफ द कोल्ड ओशन करेंट इन देस्टर्न साइड ऑफ द पैसिफिक इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज में ड्रॉट लाइक सिचुएशन होते हैं Now it favors the eastern Pacific hurricanes and tropical storms. I have just told you, low pressure area, cyclonic storms, hurricanes, it records unusual rainfall in Peru, Chile and Ecuador and linked to the climate pattern. Reduce of welling of cold water decreases uplift of the nutrients from the bottom of the ocean, and this affects the marine life and seawards, obviously. क्योंकि वार्म पूल ऑफ ओशनिक वाटर इज प्रेजेंट नाउ नियर द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट सो दिस बेसिकली अफेक्ट्स द मराइन लाइफ इन द रीजन द फिशिंग इंडस्ट्री इज अफेक्टेड एंड द रीसेंट्ल्यू एच ओ रिपोर्ट ऑन दी हेल्थ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अलिनो फोरकास्ट राइज इन द वैक्टरबॉन्न डिसीज तो इंडिया में ये जो मलेरिया के साइकिल्स हैं इसको भी बोला जाता है कि दिस इज लिंक टू द अलिनो साइकिल तो यहाँ पर आपको जो की वर्ड याद रखना है दट अलिनो इज कॉल्ड एज द बॉय ठीक है इन्हें बॉय कहते थे एंड ऑल्सो कॉल्ड एज ए न्यूबॉन क्राइस्ट

कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया और वहीं जो अंडरलाइन जो कोल्ड ओशनिक करेंट था वो अपवेलिंग होती है टूवर्ड्स द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट ठीक है तो जिसकी वजह से जब लानीना ऑब्जर्व होता है तो साउथ अमेरिकन जो कंट्रीज होती है जैसे कि चिली यहां पर अब ड्राई एनवायरमेंट होगा ड्रॉट लाइक सिचुएशन होगी कोल्ड होगा ठीक है लानिना इवेंट समटाइम्स फॉलो नो इवेंट्स विच ऑकर इन द रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टू टू सेवन ईयर तो अगेन दर इज नो डेफिनेट पैटर्न इनको ऑब्जर्व करने का राइट सो आई थिंक आपको अब बेटर समझ में आ गया है वॉट इज अलिनो वट इज लालीना एंड वॉट इज अलिनो सन सो दैट वॉट सो दैट वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक टुडे